ओके अच्छा देखिए, पार्टनरशिप में हर पार्टनर के दो अकाउंट्स बनते हैं। एक उसका कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा करंट अकाउंट। जैसे सोल ट्रेडर में हम बनाते हैं, उसमें कैपिटल अकाउंट होता है ना। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर रहे होते हैं, कैपिटल से ड्रॉइंग माइनस हो जाती है। अब यहाँ क्या होता है, पार्टनरशिप में हर पार्टनर के दो अकाउंट्स बनेंगे। एक कैपिटल अकाउंट जिसमें हम सिर्फ पार्टनर की कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे, और इसके अलावा एक दो ट्रांजेक्शन और आएंगी वो आगे हम पढ़ेंगे। बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, वो सब कहाँ रिकॉर्ड होंगी, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड। अच्छा, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट की नेचर क्या है, इक्विटी, और करंट अकाउंट की नेचर भी इक्विटी, दोनों की नेचर सेम। यानी कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में करंट अकाउंट का बैलेंस ऐड करेंगे तो पार्टनर की इक्विटी आ जाएगी। बस फर्क ये कि कैपिटल अकाउंट नॉर्मली कॉन्स्टेंट रहता है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आती है और एक दो ट्रांजेक्शन और आ जाती हैं। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट कॉन्स्टेंट रहेगा, बाकी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड का होंगी करंट अकाउंट। और नेचर दोनों की सेम होगी, इक्विटी। अच्छा, ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या होती है नॉर्मली? सोल ट्रेडर में क्या बनाते हैं, ड्रॉइंग डेबिट, कैश क्रेडिट। यहाँ पर एक चेंज है थोड़ा सा एंट्री में। इसमें दो तरह से एंट्रीज बनती हैं, बुक्स में एग्जाम में दो तरह से पूछ सकता है। पहले एंट्री हम क्या बनाएंगे, ड्रॉइंग डेबिट, कैश क्रेडिट। उसके बाद ड्रॉइंग अकाउंट को हम क्लोज करेंगे करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, करंट अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स क्रेडिट। या अगर इन दोनों एंट्रीज को आप मर्ज कर लें, इसका इफेक्ट क्या आएगा, करंट अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। ये दो तरह से पूछ सकते हैं, तो दोनों याद रखें। कई बार वो ये ऑप्शन दे देता है, कहीं ऑप्शन में ये देता है, कैश डेबिट ड्रॉइंग डेबिट भी कर सकते हैं, या फिर करंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। हाँ, इसमें इतना होता है, पहले हाँ ड्रॉइंग डेबिट कैश क्रेडिट, फिर ईयर एंड पे ड्रॉइंग को क्लोज करने के लिए आप ये बनाएंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट और ड्रॉइंग्स को क्रेडिट, या डायरेक्ट आप करंट को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट। क्योंकि इससे आप ये क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स आपकी क्या होता है, इक्विटी डिक्रीज होती है ना, कैपिटल डिक्रीज होता है, करंट अकाउंट डेबिट क्लोज करने के लिए। हाँ, पहले आपने क्या किया, डेबिट किया जी ड्रॉइंग। जब हम करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होता है, तो डेबिट करते रहेंगे, डेबिट डेबिट डेबिट। जब ईयर एंड होगा तो ड्रॉइंग को हम माइनस कहाँ से करते हैं, वैसे सोल ट्रेडर में माइनस करते थे कैपिटल से, यहाँ उसको माइनस करेंगे करंट अकाउंट। उससे हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग को क्रेडिट करके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। जब करंट अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो वो उसमें से माइनस कर, बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम वहां पे नहीं दिखाएंगे कि करंट अकाउंट माइनस ड्रॉइंग या कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। अब वो ट्रीटमेंट नहीं है जो सोल ट्रेडर में था। यहाँ हम क्या करेंगे, अकाउंट में उसको डेबिट करके माइनस कर देंगे, इससे आपका करंट अकाउंट बैलेंस कम हो, उसको फिर हम बैलेंस शीट में। ये डायरेक्ट ये एंट्री भी बनता, आप बना सकते हैं करंट अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, ये एंट्री से भी टी अकाउंट बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब आ जाए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इससे रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स। दो पार्टनर्स हैं, इनका कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बैलेंस आपको गिवन है। इसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, इसको रीड कर लें, सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले इसने हमें क्या है, कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद ये प्रॉफिट है, फिर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा देखिए, रिक्वायरमेंट क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट,
एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। अच्छा, अभी अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इस पर भी हम बात करते हैं बाद में, ये आपको बताता हूँ। ये वैसे जरूरत है पड़ेगी नहीं बनाने की, लेकिन नॉलेज के लिए आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो स्टेटमेंट बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बना लेते। दो पार्टनर्स हैं, ब्राइन और जॉन, और ये टोटल का कॉलम बन जाएगा। पहले तो हम लिख लेते हैं प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना हुआ है 97,000। अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर एग्रीमेंट। पहले क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, यहाँ लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल कितना है, 1 लाख और 1,40,000, 1 लाख का 15%, 15,000 आएगा, और 1,40,000 का 15% कितना बन रहा है, दोनों का टोटल कर लें 36। ठीक, इसके बाद क्या है, सैलरीज हैं 44,000 और 33,000। फोर्टी फोर थाउजेंड 33 टोटल 77,000। जिसके बाद फिर ये रेशियो दे दिए, अब रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस निकलेगा ना, अभी आ जाएंगे रेशियो। अच्छा, अभी हमें यहाँ से क्या 36 माइनस करेंगे और 77 माइनस, तो आपके पास माइनस में आंसर आएगा। माइनस का मतलब ये लॉस हो जाएगा ना, 16,000 का लॉस। रिमेनिंग लॉस, अब ये लॉस इनके रेशियो में डिवाइड करेंगे, रेशियो क्या है 5:3, बताइए क्या बन रहा है, आंसर बताएं। ये -10,000 और -6,000, अब इनका सम कर लेंगे तो इनका प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। तीनों का सम करें कितना आ रहा है 49,000, और ये 48,000, ठीक, ये दोनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयर आएगा। यहाँ पहले कॉपी कर लें इसको, फिर इनके टी अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट दोनों के नेचर क्या है, इक्विटी। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें ये इक्विटी में आएंगे दोनों, इसलिए दोनों का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आएगा, क्रेडिट पे। कैपिटल का बैलेंस है 1 लाख और 140। पहले ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस लिख लेते हैं 1 लाख और 1,40,000। आप करंट अकाउंट बैलेंस 12,000 और 32,000, ये भी क्रेडिट साइड पर आएंगे। सब जो हमने ये प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, अब इसको पोस्ट करेंगे, और ये पोस्ट होगा कहाँ, करंट अकाउंट में जाएगा। अच्छा, देखिए पहले इनको क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो ये इनके करंट अकाउंट बैलेंस में ऐड होगा लेस होगा, ऐड हो जाएगा ना, इंटरेस्ट मिल रहा है तो इससे इनका कैपिटल या करंट अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होगा ना। ये बिजनेस का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बिजनेस का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, पार्टनर्स का प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना, तो ये इनके करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 और 21,000, ठीक है। इसके बाद सैलरीज मिल रही है दोनों को, ये भी इनके करंट अकाउंट में ऐड होंगी, क्रेडिट करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये रिमेनिंग लॉस था, तो लॉस करंट अकाउंट बैलेंस से माइनस होगा, तो इसलिए टी अकाउंट में क्या आएगा, डेबिट पे ना, रिमेनिंग लॉस ये इनके करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 10,000 और 6,000, डेबिट पे आ गया, सही है, कंप्लीट।
अब अकाउंट बैलेंस कर लेंगे। अच्छा, फिलहाल इसमें करंट अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी। प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज करंट अकाउंट में आती है। ये हो जाएगा 71,000, और दूसरे का टोटल करते हैं 6,000। एंड डेबिट साइड पे लिखते हैं 71,000 माइनस करें इसमें से 10,000, 61,000 इसका क्लोजिंग आ जाएगा। सेकेंड इसका 86,000 माइनस करेंगे 6,000 तो बैलेंस आएगा 80,000 कैरेट डाउन, और ये ब्रॉट डाउन आ जाएगा क्रेडिट साइड। ये तो करंट अकाउंट बैलेंस आ गए। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, तो इसको एज इट इज छोड़ देते। अच्छा, अब हमें क्या बनाना है, इसका बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। अच्छा जी, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं कि ये चीजें बैलेंस शीट में कैसा नाम रिपोर्ट। एक्सट्रैक्ट राइट। जब बैलेंस शीट में हम लिखेंगे हेडिंग क्या है कि इक्विटी में अब हम लिखेंगे कैपिटल और करंट अकाउंट। पहले में लिख लेंगे ब्राइन कैपिटल। कैपिटल बैलेंस कितना है ब्राइन का? 1 लाख। अच्छा, ब्राइन का करंट अकाउंट बैलेंस कितना है? करंट तो करंट अकाउंट बैलेंस कितना था? 61,000। ठीक है, 1 लाख में 61,000 ऐड करेंगे, इसका टोटल हो जाएगा 161। ठीक है, 1,61,000 की टोटल इक्विटी आ गई 1,61,000। उसके बाद लिखते हैं जॉन कैपिटल का कैपिटल बैलेंस कितना था? 1,40,000 के बाद जॉन का करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस कितना है इसका? 80,000। 80,000 इसमें कैपिटल बैलेंस में ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल कर लें दोनों का 220,000 आ जाएगा ना, तो ये जॉन की इक्विटी आ जाएगी 2,20,000। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन अभी भी नहीं हुआ है, क्या समझाऊं? क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक रिक्वायरमेंट थी आपकी एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ना, प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, कि अब जो हमने अब तक जो हम प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए हम बना रहे थे स्टेटमेंट ना, उसके लिए हमने ये स्टेटमेंट बनाया था अभी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, अगर इसी ये जो हमने स्टेटमेंट बना रहे हैं, अब ये स्टेटमेंट बनाने के बजाय अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक टी अकाउंट के फॉर्म में करें, टी अकाउंट बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो वो बन जाएगा आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, वैसे तो क्वेश्चन हम इसी तरह सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट बनाकर, सिर्फ वो एंट्री समझाने के लिए टी अकाउंट बना लेते हैं ताकि आपको एंट्री समझ आ जाए कि करंट अकाउंट डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा। बाकी क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम स्टेटमेंट ही यूज करेंगे, टी अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब एक ये टी अकाउंट बना लेते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अच्छा बताइए, ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 97,000 का, वो प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक, तो प्रॉफिट जो है वो टी अकाउंट में डेबिट पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर आएगा, प्रॉफिट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लिख लेते हैं 97,000 का। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर एग्रीमेंट। पहले क्या दे रहा है इसमें? इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15%। अच्छा, प्रॉफिट हम दे रहे हैं पार्टनर्स को, तो बिजनेस का प्रॉफिट डिक्रीज होगा, ये डेबिट में आ जाएगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्राइन और ये जॉन। अच्छा, ब्राइन को कितना इंटरेस्ट मिला है? 15,000 वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हुई है, और दूसरे का कितना था? 21,000। तो ये बिजनेस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा,
प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स में, तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो भाई, डिक्रीज हो गया। प्रॉफिट डिक्रीज होता तो डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जी, इनकम इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है क्रेडिट, और डिक्रीज हो तो, और प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होता है। वही रूल है इनकम वाला, इनकम इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना, और इनकम डिक्रीज होगी तो रूल एक ही है ना दोनों का। ठीक है, अब ये बिजनेस का प्रॉफिट था, बिजनेस ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर में, बिजनेस का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ तो ये डेबिट साइड पे आ गया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है तो पार्टनर का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा, इससे पहले वो करंट अकाउंट बैलेंस लिख लेते, वो रह गए। तो ब्राइन का करंट अकाउंट बैलेंस कितना है? 12। जॉन का 32। प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है आपका, तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, डेबिट थोड़ी होगा, लॉस डेबिट होता है। आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, लॉस डेबिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट पे। पार्टनर का कैश अकाउंट बनता ही नहीं है, कैपिटल अकाउंट बनता है, कैश थोड़ी होता है, कैश अकाउंट होता ही नहीं ना, वो बिजनेस का होता है। कैश अकाउंट बिजनेस का होता है, पार्टनर का थोड़ी होगा, पार्टनर का तो कैपिटल अकाउंट होता है, कैश अकाउंट थोड़ी होता है, कैश अकाउंट होता ही नहीं है। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट होता है ना। पार्टनर का अकाउंट तो कैपिटल का बनेगा ना, कैश का थोड़ी बनेगा। कैश अकाउंट तो बिजनेस का होगा, बिजनेस में कैश आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब इंटरेस्ट के बाद के सैलरीज मिल रही हैं, सैलरीज, सैलरी बंद कर दें इसको, क्या शुरू मचा रहे। ओके, तो सैलरी से एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहां लिख लेते हैं सैलरी, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, जिसके बाद अब रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस। अच्छे, काम करते हैं यहाँ पर, एक काम ये करते हैं, पहले मैं जरा सैलरी का अमाउंट चेंज कर रहा हूँ, तो एक कंफ्यूजन से आप बच जाएंगे, बाद में इसी अमाउंट से दोबारा इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ फिलहाल एक दफा मैं सैलरी का अमाउंट चेंज कर रहा हूँ थोड़ा इसको, इसके बाद दोबारा इसी अमाउंट से बनाएंगे इसको। ठीक, 44,000 की जगह आप कर दें, इसी हम कर देते हैं 4,000, और इसको कर देते हैं 3,000 की वजह भी बताता हूँ कि सैलरी का अमाउंट मैंने चेंज किया, थोड़ा इसको इजी करने के। सही है जी, 4,000 और 3,000 सैलरी हो गई। अच्छा, इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ है इसमें से, ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है माइनस कर देंगे। ठीक है, बैठ जाए। अच्छा, 97,000, 97,000 डेबिट साइड माइनस करें, ठीक है, माइनस करें, कितना आ रहा है? डेबिट साइड माइनस कर दें, 54 ये हो गया आपका रिमेनिंग प्रॉफिट। तो क्या हम एज पर रेशियो डिवाइड करेंगे ना, रेशियो क्या है इनका, 5:3 का, थोड़ा कैलकुलेट करें, 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर दें, 54,000 को 5:3 के रेशियो में डिवाइड करें, 33,750, 20,250। ठीक है, अब ये 54 यहां से मैं डिलीट कर देता। ठीक, अच्छा, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा इनके, करंट अकाउंट में एडिट हो जाएगा,
20,250, ठीक है, इसका रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया ना, यहां भी लिख लेते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट, सही है, यहां तक क्लियर है एंट्रीज, आपके प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो ये क्या था, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट हो गए, इसके बाद ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो खत्म हो जाएगा ना, जीरो हो गया। अब करंट अकाउंट क्लोज करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करें 64,750, 64,750, तो कैरी डाउन कितना आ जाएगा 64,750, यहाँ भी ऐसे ही होगा, टोटल कितना है 76,250, देखते बताते फिलहाल, तो इसको समझें यहां तक जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम चले यार, फजूल क्वेश्चन नहीं कर, ठीक है, क्लियर। यहां तक बताएं कोई प्रॉब्लम, तो अभी एंट्री समझ आ गई, क्रेडिट क्यों कर रहे थे। अच्छा देखिए, अब इसमें एक चेंज मैंने किया था, यहाँ जो सैलरी का अमाउंट चेंज किया है ना, सैलरी का अमाउंट मैंने यहाँ पर, अब जो एक्चुअल अमाउंट है उससे सॉल्व, मैं फिर थोड़ा एक चेंज आएगा वो बताता हूँ क्या होगा। अच्छा मैं उसमें भी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसमें लॉस आ रहा था ना, रिमेनिंग लॉस, यहां से मैं ये सैलरी के अमाउंट यहाँ चेंज करके इसको जो ओरिजिनल सैलरी के अमाउंट है क्वेश्चन में दिए हुए उसके मुताबिक सॉल्व कर, इसमें आंसर्स चेंज होंगे इनके। चल अब आ जाए इसका जो, हाँ सैलरी के अमाउंट क्या थे 44,000 और 33,000 थे ना एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिए हुए। अच्छा अब इसमें क्या होगा, यहाँ डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया, डेबिट का टोटल बन रहे 1,13,000, डेबिट साइड माइनस करें, अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट के बजाय रिमेनिंग लॉस आएगा कितना, जब 16,000 को रेशियो में डिवाइड करें 5:2, क्या था 3:5 ना, 5:3, ये कितना आया था 10,000 और 6,000। अब देखिए ये लॉस यहाँ पर रिमेनिंग लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हुआ, तो इनके करंट अकाउंट में, अच्छा पहले मैं सैलरी लिख दूँ, सैलरी रह गई, तो सैलरी कितनी मिल रही है 44,000, तो इसको सैलरी मिली 33,000, अभी रिमेनिंग लॉस डेबिट हो जाएगा इनके अकाउंट में 10,000 और इधर इसके अकाउंट में रिमेनिंग लॉस 6,000 से डेबिट हो जाएगा ना। अच्छा अकाउंट भी मैंने अलग कर दिया, पहले कंबाइन बनाया था, टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का 71,000 माइनस करें इसमें से 10, तो ये हो जाएगा 61,000, पहले भी यही आंसर आया था, टोटल है इसका 86,000, 86,000 और 6 माइनस करेंगे तो 80,000 इसका टोटल, ठीक है समझ आई एंट्रीज। अच्छा यही जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किसको, अगर एक जर्नल एंट्री के फॉर्म में भी लिखवा देता हूँ मैं, जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं, पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो एंट्री क्या बनी है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, करंट अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ लिख लेते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और इनका करंट अकाउंट प्राइम करंट और जॉन का करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, कितने से 15,000 और इसको कितना मिला था इंटरेस्ट 21, टोटल करें दोनों का 36, ठीक है। इसके बाद हमने सैलरी दी है पार्टनर्स को, सैलरी की जर्नल एंट्री क्या, वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट ही हो रहा है ना, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और इन दोनों के करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे,
44,000 और 33,000 टोटल हो जाएगा 77,000। अच्छा, फिर ये रिमेनिंग लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, रिमेनिंग लॉस में ये एप्रोप्रिएशन का अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ, करंट अकाउंट डेबिट, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इन दोनों के करंट अकाउंट डेबिट हो गए 10,000, 6,000 और टोटल 16,000। तो ये जर्नल एंट्रीज भी बन गए, ठीक है जी। अब क्लियर हो गए एंट्रीज, हो गए। कभी करंट अकाउंट का फॉर्मेट कॉपी कर लें जी, कॉपी कर लिए।